तो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आज का एजेंडा ये है कि आज का एजेंडा ये है कि एक राइडर आ रही है चेन्नई से, चेन्नई टू चंडीगढ़। वो राइड कर रही है सोलो, आई थिंक सोलो कर रही है। तो मुझे अपने ग्रुप से पता चला, सो आई डिसाइड कि चलो मिलते हैं, क्योंकि यार एक लेडी राइडर है, वो इतना लंबा राइड सोलो कर रही है तो मिलना बनता है भाई। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अभी ये धौलाकुआं पे आने वाली हैं, आज वो जयपुर से चली हैं सुबह, और यहाँ पे पहुँच जाएंगी मेरे ख्याल से 4:30 बजे तक। तो अभी 4:15 हो गए, 15 मिनट्स हैं मेरे पास। तो चलते हैं, मिलते हैं और आपको भी मिलवाते हैं, उनका एक्सपीरियंस देखते हैं कैसा रहा। जो भी है, जैसा भी है, सब कुछ आपको बताऊंगा। बने रहें हमारे साथ वीडियो में। ओके, पहुंच गया हूं मैं धौलाकुआं। मेरे ख्याल से अपोजिट में मिलेंगे, मीटिंग पॉइंट अपोजिट में है। काफ़ी टाइम बाद आया हूँ मैं धौलाकुआं। एक्चुअली इधर आने का होता ही नहीं यार, इधर कुछ सीन ही बनता आने का। ये देखना होगा कि यू टर्न, पहले तो रेड लाइट थी यहाँ पे, अब उसको बंद कर दिया, अब यू टर्न बनाया या क्या किया, वो देखना है। मेरे लिए नया एक्सपीरियंस होगा ये भी। एक काफ़ी टाइम बाद आया हूँ मैं, ऑलमोस्ट 6 मंथ या 8 मंथ्स, आई डोंट नो, मे बी 1 ईयर, नॉट एग्जैक्टली। फाइनली राइडर्स आ चुके हैं भाई। देखिए, देखो नंबर प्लेट है, तमिलनाडु की गाड़ी है एवेंजर लेकर। ये डायरेक्ट तमिलनाडु से, आई थिंक चेन्नई से यहाँ आई है। मतलब डायरेक्ट नहीं आई, बीच में रुकते रुकते आई है। तो वाया कैसे आई है मैं आपको एंड में बताऊंगा सारा कुछ, क्या डिटेल है। अभी यहाँ दिल्ली ये आज रुकेंगी, उसके बाद मेरे ख्याल से यहाँ से कल चंडीगढ़ जाएंगी। किसी भी नई राइडर के लिए बहुत मुश्किल होता है नई जगहों पे आकर ना, क्योंकि जगह का पता नहीं होता है, ट्रैफिक रूल्स का पता नहीं होता, लोगों का पता नहीं होता। तो नई जगहों पे अगर कोई राइडर जाए और उसको वहाँ उनके फ्रेंड्स मिल जाए, राइडर बडीज मिल जाए, तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता यार। अब इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पर वेलकम कर, जब ये यहाँ पर आए और हम लोगों से मिले तो इनको बहुत अच्छा लगा कि यार राइडर्स हैं हमारे साथ। यू नो, राइडर्स का जो ब्रदरहुड होता है वो हर जगह मिल जाता है। इनको बहुत मज़ा आया यहाँ पे ना, हम लोगों से मिलकर बहुत खुश हुए ये। ट्रैफिक हमारा साथ नहीं छोड़ रहा, ट्रैफिक तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। दो और राइडर्स ने हमें ज्वाइन किया है, एक मोजो पे हैं भाई साहब, एक हिमालयन पे हैं। ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं हम लोग, यहाँ से मेरे ख्याल से यू टर्न लेकर
दीपक सर के घर पे होस्टिंग है, उन्होंने इंतज़ाम कर रखा है कुछ इनसे गेट टुगेदर का, दैट्स द एंड पॉइंट। ये रही मोजो, ये जितनी भी सुपर बाइक है ये सारी दीपक गुप्ता सर की है, और ये वो बाइक है जो ओडिसी में गई थी, पोलर ओडिसी में डोमिनार। इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट आस्किंग यू टू चेंज, आई एम प्लेजिंग दैट आई वुड चेंज एंड आई वुड राइड रिस्पॉन्सिबली, फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन, ट्राई टू फॉलो, देर आर सर्टेन सर्कमस्टांसिस वी आर फोर्स्ड कि बिना फॉलो करे काम नहीं चलता है, सो आई विल फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस। इन दिस थ्री वर्ड्स कम्स ईच एंड एवरी रूल्स एंड रेगुलेशंस, वेयर द हेलमेट, वेयर द शूज, राइड द मोटरसाइकिल और द कार विद लो बीम, राइड इन योर लेन, राइड विद द रेयर व्यू मिरर्स। मोस्ट द ओनली थॉट प्रोसेस कि मुझे लगा कि लेट अस डू समथिंग फॉर द नेशन, फॉर द फोर्सेस, जिसने भी यूनिफॉर्म पहना है उनके लिए, और एक ये थॉट प्रोसेस था कि मैं रेस्टिंग पीस उनके घर फेसबुक ट्विटर पे नहीं करूँगा, आई विल गो टू देयर होम एंड सैल्यूट देम सेइंग दैट वी स्टैंड विद यू इन द कंडोलेंसेस, ऑल द राइडर्स कम्युनिटी ब्रदरहुड अक्रॉस नेशन हैव सपोर्टेड। आज मैं जो भी बैठा हूँ, डीजी सर, यू नो, दादा वगैरह, यू नो, आई हैव ऑल सीन देम, बट इट इज़ अ प्रिविलेज टू बी इन दिल्ली, और निस्वार्थ में चला हूँ, आगे भी चलूँगा, मांगा कुछ नहीं था, इतना कुछ मिला है। इट वॉज सपोज टू फिनिश 9th April 2020 इन रन ऑफ कच्छ, जो CRPF का शौर्य दिन होता है, लेकिन कोविड की वजह से आई गॉट स्टक इन सुकमा छत्तीसगढ़, October 21 से फिर स्टार्ट किया है, 9 April को ख़त्म करूँगा, एंड दिस इज अ स्मॉल इनिशिएटिव यू नो टू लॉन्च योर बुक, गेट द बुक डन थ्रू विद द मिनिस्ट्री एंड द CRPF, प्रोसेस जारी है, एंड ही इज द ओनली वन हु हैव बीन इंटरव्यूड बाय फर्स्ट। आई वॉन्ट टू शो दिस थिंग कि मैं अगर 14 February को आप देखेंगे, देवर राइडर्स कम्युनिटी के कुछ थे, तो ऑल द मीडिया आज में ये क्या है, मैं बोला ये मेरी फैमिली है, सो इवन दो देवर ओनली 4, बट इट वॉज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑल द राइडर्स कम्युनिटी अक्रॉस नेशन। अमिताभ बच्चन जी ने इनको घर पे बुला के सम्मानित करा, इनके उनके परिवार ने इनको, अक्षय कुमार ने आज तक पर इनका इंटरव्यू लिया है, जो कि इनको पता नहीं था कि वो इंटरव्यू अक्षय कुमार ले रहे हैं। एक्टर अक्षय कुमार टू द इंटरव्यू, ही वाज वेरी हैप्पी फॉर भारत कबीर। तो जो ये अमित लोढ़ा जी है IGP BSF हु इनिशिएटेड भारत कबीर, ये उनका थॉट प्रोसेस था, एंड दिस इज द रिस्पेक्ट फॉर ऑल द CAPF। और 9 अप्रैल को DIG सानंद कमल सर ने उन्होंने फ्लैग ऑफ किया था ग्रुप सेंटर CRPF यलन का, एंड दिस इज अमिताभ बच्चन जी, अभिषेक बच्चन, श्वेता नंदा, उनको ऑटोग्राफ उन्होंने किया था। अच्छा, एक सवाल मेरा, उनसे मिले अभिषेक बच्चन जी की पत्नी जी से? नहीं, वो नहीं थे, जिसमें जितने भी राइडर्स कम्युनिटी मिले हैं मुझे, यू नो, उनका रिस्पेक्ट मैं अभी भी लेके चलता हूँ। यस, एंड आई से दिस इज अक्रॉस नेशन, और यहाँ पर दिस इज द फर्स्ट टाइम, आई एम नॉट टॉकिंग विद द प्राइड और समथिंग, बट फर्स्ट टाइम की फोर्सेस ने इंसिग्निया या फॉर्मेशन साइन दिया टू अ सिविलियन। सो आई डेडिकेट दिस, यू नो, हियर आई हैव रिटन इज कि आई उमेश गोपीनाथ जाधव अ रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन डेडिकेट इंडियाज फर्स्ट हिस्टोरिकल पेट्रियोटिक रोड ट्रिप मीटिंग मार्टर्स फैमिलीज अक्रॉस 28 स्टेट एंड 9 यूनिटीज collecting soils from their homes to CRPF, CAPF and all our Indian armed forces. Less I, more we, or together we build a nation. So, I used to ride Java at that time. Java ISD तो उस समय Royal Motorcycle Exactly. थी हमारा time. So I take care of property management. I'm the first, youngest and female security professional. Usually ex-servicemen will be there in security. I'm to physical security. Actually, I did my undergraduation in criminology and police administration. Okay. Mm-hmm. And then when I was in college second year, I did a project on CCTVs, crime prevention on CCTVs, which actually led me please, to... I am not a formal person. Please help yourself. You are at home. Please. Sir, I am in college second year.
And I like sports bike, and since I liked cruising more, I like to travel. Biking, sports bike was not comfortable. Nice. So I changed to Bajaj Avenger since it's more economic also. And you know, my mom was like very supporting for my riding career as well. And when I was in college, second year only, I started learning Bharatanatyam. And you know, it took me to a different level. Like, my family didn't have much of background at all. They didn't know what art form was. They were not educated. And all of a sudden, I found a change in myself when I started learning Bharatanatyam. And then karate too, I'm learning since childhood. And then Bharatanatyam led me to other extracurricular activities. I didn't know to speak in English when I was in school. But then after coming to college, I had a change. So I thought, okay, after going to Bharatanatyam class only, I gained self-confidence, improved myself. So I thought, why don't, it should be spread. Instead of wasting time watching serials, hanging out with friends, you know, like simply gossiping and wasting money for, you know, to buy a cloth also, people are spending 2,000 and 3,000 to buy a single dress. They can spend that money in for the dance class or any class of that matter. They can do cycling, any things which makes them more passionate. It will help them to improvise their mental health and also physical health. See, it's also useful for their future. What if someone is not having a job and they can run their own classes in future? So I thought we should create that awareness among people. So that's how I started this ride. Yes. Good. Very good. But in class 8, I was very, very crystal clear in my life. What I have to do at different stages of life, what I have to do, and God has been very kind. I am able to achieve what I thought of. Mera clear tha ki I belong to a service class family. My brother was a Hindi and Sanskrit teacher. My father was an officer in IB Raw. And a very strict family. I had two sisters. And sisters were the privileged one in the house. And I was the most unprivileged, you can say, the child of the house. Being the male, it was the other way around. So, कहीं घूमने जाना होता था स्कूल से, but एक अच्छा काम मेरे parents ने ये करा कि in those days hard work से hard पैसे से उन्होंने हमको public school में पढ़ाया. I studied in the top 3 schools of the city, Cambridge School, which helped me in my upbringing and my skill set, you can say. I was a very quiet child in throughout my school. But as I grew, as I traveled, I gained more and more experience, I would say. 79 में मैंने Luna 50cc moped मेरे चाचा जी ने ली तो वो मैंने चलाई 78 या 79 में. 80 में मैंने अंकल मेरे आया करते थे, मेरे गॉडफादर जिनको मैं कहता हूँ, वो राजदूत 175cc लेकर आया करते थे. तो वो पापा के साथ ताश खेलते थे और मैं चोरी से वो एक कील वाली चाबी कहीं से भी ले लाके फिर मैंने कहीं से ढूंढ ली थी. बाइक बाहर खड़ी हुई थी, चुपचाप लगाता था, थोड़ी सी आगे जाके स्टार्ट करता था और मैं घूम के आके वापस खड़ी करता. सो दैट इज हाउ वन फाइन डे ही केम टू नो कि ये चला रहे हैं, बट ही न्यू कि ये चला रहा है ठीक ठाक है, तो ही इग्नोर्ड. इन क्लास 11th in 1981, I got my first motorcycle, Rajdoot Bobby, which was Rajdoot Bobby. और वो मैंने 11th और 12th में करीब करीब 55,000 किलोमीटर चलाई and had so many girlfriends और खूब दौड़ाया, star of the school और खूब दौड़ाया and then never looked back. I have never ever lived my life without a two-wheeler in my house. Car नहीं होगी वो चलेगा, but two-wheeler or motorcycle should always be there. चाहे मैं नहीं चलाया उसको महीना, कोई दिक्कत नहीं है, बट नेवर एवर लिव विदाउट अ टू व्हीलर मोटरसाइकिल. फाइनली मीटिंग ओवर हो गया भाई, निकल गए यहाँ से. काफ़ी अच्छा लगा लोगों से मिलकर. काफ़ी बड़े बड़े राइडर, काफ़ी पुराने पुराने राइडर थे, जिसमें से एक थे अपने दीपक गुप्ता सर जी, और भी बहुत पुराने पुराने बहुत अच्छे अच्छे राइडर्स थे जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, काफ़ी सारी चीज़ें बताई जो कि इन फ्यूचर काम आएंगे, बहुत सारी स्किल्स बताए. अच्छा लगा काफ़ी टाइम बाद ना इतने सारे राइडर्स से मिलकर, इतने पुराने पुराने एक्सपीरियंस होल्डर राइडर्स से मिलकर, काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा.
She is riding from Chennai to Chandigarh. अभी वो यहाँ से लुधियाना जाएगी, वहाँ से अमृतसर जाएगी, उसके बाद वापस वो चंडीगढ़ आएगी, चंडीगढ़ से फिर दिल्ली आएगी और यहाँ से फ्लाई बैक कर जाएगी और बाइक को अपनी वो करा देगी, बाई ट्रेन पार्सल करवा देगी। That's it guys, यहीं तक रखते हैं, बाकी देखते हैं जैसा भी होगा आपको आगे इन्फॉर्म करते रहेंगे। बने रहें ऐसे ही अपने वीडियो पे, प्यार बरसाते रहो यार, लाइक वाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कमेंट वगैरह डाल दिया करो यार, भाई को मोटिवेट करो। ओके बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।